लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया था एक बार मैं उसकी बता देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्रांच अकाउंट का सबसे पहले तो समझा था कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है। ब्रांच अकाउंट के दो टाइप थे, एक था हमारा इंडियन ब्रांच और एक था हमारा फॉरेन ब्रांच। इंडियन ब्रांच के अंदर हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस देखा था, फॉरेन ब्रांच वो ब्रांच होगा जो आउट ऑफ इंडिया हमारा होगा, और इंडियन ब्रांच वो ब्रांच होगा जो इंडिया में होगा, चाहे विद इन अ सिटी हो चाहे आउट ऑफ सिटी हो। इसके अंदर क्या था, अकाउंटिंग करने का प्रोसेस देखा था। अकाउंटिंग करने के प्रोसेस में क्या था कि या तो ब्रांच हमारा अकाउंटिंग करेगा डिपेंडेंट होके या इंडिपेंडेंट होके। तो डिपेंडेंट होके अगर ब्रांच अकाउंटिंग करता है तो उसको उसके अंदर तीन मेथड्स थे। एक हमने क्या देखा था, एक देखा था हमने डेटर सिस्टम, और उसके बाद देखा था स्टॉक डेटर सिस्टम, और फिर हमने देखा था उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और इंडिपेंडेंट के अंदर हमने कोई सिस्टम डिस्कशन नहीं किया। तो हम अभी जो करने जा रहे हैं वो हमारा अभी चल रहा है डिपेंडेंट ब्रांच का, वो भी कौन सा ब्रांच, इंडियन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जो हमने डेटर सिस्टम स्टार्ट किया था उसी का नेक्स्ट स्टेप चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें मैंने यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, इसको समझेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है ये। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट पूछूंगा, उसका आप बिल्कुल ध्यान से देखना, सुनना और इसका आंसर देना। सपोज करो मैंने एक आपके सामने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ये मान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा। इस साइड में लिखते हैं टू परचेज, ठीक है, और इस साइड में लिखते हैं बाय सेल्स, और सेल्स मैंने लिखा सपोज करो 10,000। 10,000 का मैंने यहां पे सेल मेंशन कर दिया, और यहां पे मैंने परचेज लिखा है 8,000 रुपए। तो अब मेरे लिए इजीली यहां पे प्रॉफिट निकाला जा सकता है। 10,000 का सेल्स है और 8,000 का क्या है, परचेज। अब अगर हम 10,000 में से 8,000 माइनस कर दें तो आप बोलोगे सर 2,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है, उसका नाम कुछ भी हो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, लेकिन इतना तो बता दोगे 2,000 का प्रॉफिट है। अब 2,000 का प्रॉफिट पता है क्यों बता पाए हो? मान लो मैं ये जो सामान जो मैं खरीद के लाता हूँ वो मान लो मैं कहीं और से परचेज करके लाता हूँ। सपोज करो कि मैं रानी बाग से सामान खरीदता हूँ, और रानी बाग से मैंने सामान खरीदा और वो सामान परचेज किया था मैंने 8,000 का। लेकिन जब मैंने सामान को खरीदा था तो मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन था कि मैं 8,000 का ही बेचूंगा या फिर महंगा करके बेचूंगा। तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ मैंने प्रॉफिट का पोर्शन भी डिटरमाइन किया होगा कि भाई मैं 8,000 का सामान है तो कम से कम 10,000 का तो बेचूंगा इसको। तो ठीक है, यहां पे मैं परचेज करके लाया और मैंने टू साइड में लिखा परचेज, और परचेज में मैंने यहाँ पे अमाउंट जो कोट किया वो लिखा मैंने 8,000। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मैंने परचेज लिखा है वो जितने का खरीदा था वही प्राइस लिखा है या प्रॉफिट ऐड करके लिखा है? जितने का खरीदा था और वही प्राइस लिखा है। और वैसे भी होना यही चाहिए कि आप जब परचेज दिखा रहे हो तो परचेज किस प्राइस पे होना चाहिए, जिस रेट पे खरीदा है उसी रेट पे होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा, सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने सोचा था 10,000 का मैं बेचूंगा तो 8,000 का है, इसके अंदर 2,000 प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा, और सपोज करो मैं यहाँ पे 10,000 ही मेंशन कर देता हूँ, तो क्या पॉसिबल है आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना? यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, यानी यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट निकालने की भी कोशिश करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। यानी इस पॉइंट से एक बात तो प्रूव हो जाता है कि जो सेल्स होता है उसको सेलिंग प्राइस पे दिखाना चाहिए, और जो आपका बाकी के अदर आइटम है उसको सेलिंग प्राइस पे अगर हम दिखाते हैं तो उससे हमें रिजल्ट नेट प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। यानी यहाँ पे गलती क्या करा है बताओ मुझे, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यही है ना कि मैंने इसको 10,000 दिखा दिया, दिखाना कितना चाहिए था 8,000 रुपए। इसका मतलब यहाँ 8,000 अगर मैं दिखा दूं तो आप बता दोगे इजिली कि हमारा प्रॉफिट आया। अब तो मैंने 10,000 लिख दिया है ये, और ये जो लिखा है ये किस प्राइस पे है, ये सेलिंग प्राइस पे है, ये किस प्राइस पे है, और ये खुद सेलिंग प्राइस पे, तो खरीदा सेलिंग प्राइस पे और बेचा सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट कहां से निकल सकता है? अब तो मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि अब आप प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो कोई ऐसा तरीका लगता है कि बिना इसको इरेज किए हुए, बिना मिटाए हुए यहां पे 2,000 का प्रॉफिट निकाल पाए? कोई ऐसा तरीका लगता है आपको? सोचो,
2,000 रुपए से फर्क है, तो क्या करूं मैं, 2,000 ऐसे दिखा दूं एंट्री, एक और एक्स्ट्रा एंट्री दिखा देता हूं मैं, जिससे कि मेरा प्रॉफिट तो आ जाएगा। तो किधर दिखाना चाहिए 2,000? यानी सिंपल, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया है, तो इसके प्रॉफिट को हटा के अगर मैं इधर की साइड दिखा दूं, और इधर मैं दिखा देता हूं प्रॉफिट, अभी मैं सिर्फ प्रॉफिट की जगह पे मैं कुछ और वर्ड भी नहीं लिख रहा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इधर 2,000 रुपए दिखा देता हूं, तो क्या अब हमारे लिए प्रॉफिट निकालना पॉसिबल होगा? और ये 2,000 मैं अपनी मर्जी से क्या यहां 1,000 दिखा सकता था? नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट का हिस्सा कितना जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं यहां पे क्या दिखाऊं, 2,000। तो अब मैं प्रॉफिट यहां से फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। यानी इस पॉइंट से एक बात कंफर्म हो गया कि जब कभी भी हमें अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, तो जो सामान वहां से आएगा, अगर वो सेलिंग प्राइस पे भेज दे, अगर उसने किस पे भेज दिया मुझे, तो सेलिंग प्राइस का गुड्स सेंट तो मैं यहां पे सेलिंग प्राइस दिखा दूंगा और सेल्स भी इधर दिखा दूंगा, तो प्रॉफिट तो आएगा नहीं। लेकिन हमें बिना सेलिंग प्राइस को छेड़े हुए मुझे प्रॉफिट जानना चाहता हूं मैं, तो उसका एक ही तरीका है कि जो इसमें प्रॉफिट का हिस्सा इंक्लूडेड है उसको हटा दो, और उसको हटाया किधर जाएगा, उसके बाय साइड में। लेकिन क्या इसमें से भी प्रॉफिट का हिस्सा हटा दे? इसमें से तो हमारा सेल्स ही है, ये तो एक्चुअल है, गलती तो यहां पे है ना। अगर मैंने इसमें से प्रॉफिट का हिस्सा हटा दिया तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन अगर मैं यहां पे स्टॉक लिखूं, सपोज करो यहां पे मैं स्टॉक लिखता हूं, स्टॉक था 6,000 का, लेकिन मैंने यहां 7,000 मेंशन किया है, इसका मतलब जो मेरा स्टॉक लिखा है ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या जुड़ा हुआ है, 1,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करें बताओ, इसको भी बाई साइड लिख देंगे, जिस वर्ड से लिखेंगे वो तो बाद में देख लेंगे, बाई साइड लिख देंगे। कितना लिखना होगा, 1,000। सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था 3,000 का, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे 4,000। अब इससे क्या रिजल्ट आएगा, हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि लिखना कितना था और मैंने मेंशन क्या कर दिया, इससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा और प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करें, 1,000 को टू साइड में करेंगे। यानी क्लियरली है कि कोई भी अकाउंट हो, हमारा ब्रांच अकाउंट होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को सेलिंग प्राइस पे रखना है, वो क्या है, सेल्स। बाकी सारे स्टॉक्स के रिलेटेड जो पॉइंट होगा उसको रखना है हमें विदाउट सेलिंग प्राइस पे, लेकिन हम उसमें से माइनस करके नहीं दिखाएंगे, उसका हम इफेक्ट खत्म करेंगे। और इफेक्ट कैसे खत्म करना है, अगर टू साइड में किसी आइटम में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको बाय साइड में रख दो। अगर बाय साइड में सेल के अलावा किसी आइटम में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए टू साइड में। तो अगला जो कॉन्सेप्ट निकलता है हमारा, ब्रांच अकाउंट, वो भी इनवॉइस प्राइस पे। तो हमें सबसे पहले देखना है इनवॉइस प्राइस क्या है, हमें देखना है सेलिंग प्राइस क्या है, हमें देखना है स्टॉक रिजर्व क्या होता है, हमें देखना है लोडिंग प्राइस क्या है। मैंने स्लैश लगाया, इन सबका मतलब एक ही है, प्रॉफिट का हिस्सा। जैसे कि ये 10,000 लिखा है, इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, 2,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और मैंने दूसरे वर्ड में तो सेलिंग प्राइस बोला ही है। अब स्टॉक रिजर्व क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है, स्टॉक रिजर्व को समझना। परचेज में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा परचेज के अंदर स्टॉक रिजर्व है 2,000। परचेज के अंदर कितना प्रॉफिट है, 2,000, तो मैं बोलूंगा परचेज के अंदर लोडिंग है 2,000, ठीक है। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, या तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, लोडिंग के नाम से, या उसको स्टॉक रिजर्व, कुछ भी एग्जामिनर यूज कर सकता है वर्ड। तो ये जो दोनों पार्ट है हमारा, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट, इसका मतलब है हमारा एक तरीके से प्रॉफिट। अब देखो मेरे एग्जाम्पल को बताना आप, मैंने 15,000 रुपए का सामान अगर मैं 18,000 रुपए का बेच दूं, तो सेलिंग प्राइस कितने का है बताओ। 15,000 का सामान अगर मैं 18,000 में बेचता हूं, तो सेलिंग प्राइस बताओ, सिंपल 18,000। अब मैं पूछता हूं बताओ इनवॉइस प्राइस क्या है, 15,000 या 18,000, क्योंकि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस भी क्या होगा, 18,000। अब मैं पूछता हूं बताओ स्टॉक रिजर्व कितना है इस पे, 3,000। इन दोनों का डिफरेंस जो भी प्रॉफिट है उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक रिजर्व। अगर वही मैं पूछ लूं भाई लोडिंग प्राइस बता दो, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 3,000।
तो यानी इस एग्जाम्पल से हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा लोडिंग प्राइस का मतलब प्रॉफिट होता है, स्टॉक रिजर्व का मतलब प्रॉफिट, और इनवॉइस प्राइस जिसको शॉर्टकट में आपके बुक में भी एग्जाम में भी यूज किया जाता है, आईपी प्राइस, आई फॉर इनवॉइस पी फॉर प्राइस, इसको आईपी प्राइस भी बोल देते हैं। तो इनवॉइस प्राइस कौन सा प्राइस होता है जिसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी यहां पे एक एक पॉइंट तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि हमें सेल के अलावा किसी भी अदर इंफॉर्मेशन को हमें नहीं दिखाना इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस क्या मतलब समझ में आया, यानी सेल्स के अलावा और किसी आइटम को नहीं दिखाना इनवॉइस प्राइस पे। सर वो कौन कौन सा आइटम है उसके बारे में पता चलना चाहिए, अभी फॉर्मेट तो बनाऊंगा। अब देखो वो आइटम कौन कौन सा हो सकता है, मैं लिख देता हूं। एक तो हमारा हो सकता है गुड सेंट, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है ओपनिंग स्टॉक, और क्या हो सकता है, और हो सकता है गुड्स रिटर्न, और क्या हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक। ये चार आइटम ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको अगर प्रॉफिट ऐड करके एग्जामिनर देता है तो हमें इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, और प्रॉफिट हटाने को बोलेंगे स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व के अलावा हम बोल सकते हैं लोडिंग प्राइस करना पड़ेगा। तो अगर मैं गुड्स सेंट की बात करूं तो ब्रांच अकाउंट में याद करो कि गुड्स सेंट किधर आता है, टू साइड, इसका प्रॉफिट हटाने के लिए किधर लिखना पड़ेगा, बाय साइड। अब ओपनिंग स्टॉक याद करो ब्रांच में, टू साइड, रिजर्व हटाएंगे कहां से, बाय साइड से। गुड्स रिटर्न किधर आता है, बाय साइड, इसका लोडिंग किधर से हटाएंगे, टू साइड। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आता है, बाय साइड और टू साइड, यानी इतना तो पता चल गया। अगर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आईपी पे दे दे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमें एक और मेहनत करना पड़ेगा, और वो क्या मेहनत करना है, इसमें से प्रॉफिट हटा के इसका इंपैक्ट चेंज हटाना पड़ेगा। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट पे ही दे तो भी क्या आप इसमें से प्रॉफिट हटाओगे, तब कोई हटाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन किया था, एक किया था हमने थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, वो सारा का सारा था कॉस्ट पे और सेलिंग प्राइस, तो उसमें ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था। अब समस्या ये आएगी कि आपको एग्जामिनर ब्रांच अकाउंट के अंदर अब जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, आपको उसने मान लो दे दिया गुड सेंट, आपको दे दिया गुड सेंट और दे दिया ब्रैकेट में आईपी लिख के 10,000 रुपए, सपोज करो एग्जाम्पल के रूप, आपको आईपी लिख के उसने दे दिया 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ये जो गुड सेंट है इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है, है, क्योंकि आईपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट इंक्लूड, और इसने बोल दिया कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 10%, या फिर बोल सकता है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 10%, दो वर्ड बोल सकता है, सेलिंग प्राइस पे और 10% कॉस्ट प्राइस पे। ये कंफ्यूजन है, यानी ये तो सेलिंग प्राइस है, इसपे प्रॉफिट, और ये दो वर्ड इसने बोल दिया। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें परसेंटेज, देखो मैं बोलूं 10,000 का सामान 12,000 आईपी है तब तो कोई टेंशन नहीं, आपको पता है 2,000 रुपये हम रिमूव कर देंगे, वहां से दूसरे साइड इफेक्ट दिखा देंगे। लेकिन जब परसेंटेज के टर्म में देगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तब हमें परसेंटेज के हिसाब से उसका प्रॉफिट निकालेंगे। सपोज करो 10% मैंने बोला तो इसका प्रॉफिट कितना एडिड है, 1,000 प्रॉफिट एडिड है, और ये आ जाएगा हमारा 9,000 कॉस्ट प्राइस। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ। तो फिर मैं बात कर रहा था कि प्रॉफिट, तो ये समस्या है ना कि आपको अगर मान लो गुड सेंड देता है और गुड सेंड देने के बाद परसेंटेज दे दे तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि आप 6th 7th क्लास से सीखते आ रहे हो किस तरीके से परसेंटेज निकाले। लेकिन वहां पे सिंपल क्वेश्चन होता था और सिंपल परसेंटेज, यहां पे क्या होगा, अब परसेंटेज निकालने की बात करें तो या तो आपको एग्जामिनर देगा कॉस्ट, या तो एग्जामिनर आपको क्या देगा, कॉस्ट। अगर एग्जामिनर आपको कॉस्ट देगा तो आपको या तो परसेंटेज किस पे दे रहा है, वो
कॉस्ट पे, या तो कॉस्ट प्राइस गिवन कर देगा या सेलिंग प्राइस। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, मैंने बोला आपको कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए, एंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 10%, और आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और फाइंड करना है प्रॉफिट का हिस्सा। एग्जाम्पल देखो, आपका कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस क्या है 10,000, और प्रॉफिट किसके ऊपर गिवन है, कॉस्ट पे। तो मैं वही बात कर रहा हूं, अगर परसेंटेज गिवन हो कॉस्ट पे और हमें निकालना हो, और परसेंटेज गिवन हो कॉस्ट पे और गिवन हमें कॉस्ट प्राइस हो, तो इससे मैच करो, परसेंटेज जो गिवन है वो कॉस्ट पे ही गिवन है, और हमें कौन सा प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस, तब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब हमारा सिंपल सा इसका आंसर है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट और परसेंटेज कॉस्ट पे ही है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, यानी यहां पे आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू में 10/100, यानी जो 1,000 आया ये प्रॉफिट है। तो एक आंसर तो हमने निकाल लिया प्रॉफिट, और आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट और प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, कॉस्ट है हमारा और प्रॉफिट है 1,000, तो आपको सिंपल सा जवाब मिल गया कि 11,000। तो इस सिचुएशन में क्या था, परसेंटेज किस पे गिवन था, और हमें इंफॉर्मेशन जो प्राइस गिवन था वैल्यू, वो भी कॉस्ट, तो डायरेक्टली परसेंटेज मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया। अब यहां पे क्या है, परसेंटेज कॉस्ट पे ही है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला यहां पे कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर ले जाऊं, हटो हटो, छोड़ो छोड़ो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मान लेते हैं कि 25%, 25% है, एंड सेलिंग प्राइस सपोज करो 10,000, सेलिंग प्राइस हमारा 10,000 है, हमें अब निकालना क्या है कॉस्ट, और हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। हर क्वेश्चन में हम प्रॉफिट क्यों निकालना सीख रहे हैं, ताकि हम लोडिंग निकाल पाए, ताकि हम क्या करें एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर पाए, लोडिंग को ट्रांसफर कर पाए, और लोडिंग का मतलब क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका इजीली फाइंड किया जा सकता है किस तरीके से, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो। यहां का आंसर देखो, तीन चार तरीके हैं, तीनों चारों तरीके मैं करूंगा यहां पे, जिसको जो इजी लगे वो कर सकता है। यहां पे कैसे निकाले आंसर, सबसे आसान आंसर और जो सबसे ज्यादा समझ में आता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, नहीं, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, और प्रॉफिट बोलता है किस पे है 25%, कॉस्ट एक्स है, यानी एक्स बाय 4। यहां तक का इक्वेशन हर स्टूडेंट को क्लियर है, सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने, कॉस्ट गिवन था। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज किसी और पे बोल रहा है और गिवन हमें जो वैल्यू है कुछ और है, लेकिन यहां पे परसेंटेज जिस पे बोला जा रहा था वैल्यू भी वही था, तो डायरेक्ट निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अब यहां पे एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो एक्स के वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 5x/4, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000 को, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000 इज इक्वल टू, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 8,000,
एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। जब आपको पता है कि एक्स किसको माना था, कॉस्ट। अगर मेरा कॉस्ट 8,000 है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 10,000, तो बीच का डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हो। वो क्या होगा हमारा, हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा मेथड, दूसरा एक डायरेक्टली हम सोच सकते हैं। अब देखो, आपको हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस हमेशा लगभग 99% केस में हमेशा ज्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। 99 क्यों बोला, अगर हम लॉस पे बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट से, ठीक है ना, तो हमेशा ज्यादा होगा। अब हमें गीवन क्या है, परसेंटेज, हमें परसेंटेज कॉस्ट पे गीवन है और यहां गीवन है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस से अगर हमें कॉस्ट पे आना हो, सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट पे आना हो, तो परसेंटेज क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां पे कैसे निकालेंगे, सिंपल, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहां पे क्या गीवन है ये देखो, इसे देखना है, ये क्या गीवन है, सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग प्राइस रखा, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट एडिड होता है और प्रॉफिट कितना एडिड होगा, 25, यानी ये सेलिंग प्राइस 125 के बराबर है और हमें रिक्वायरमेंट कितने परसेंट है, 100%। 100% क्या माना है मैंने, कॉस्ट, और ये क्या माना है मैंने, सेलिंग प्राइस। इस तरीके से भी हमारा इजीली आंसर निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे हम, आपका 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, इसको कट करो आप, क्या आंसर आता है, ये लो आंसर आ गया हमारा 8,000। तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, इसमें कम है। आपको प्रिफेयर कौन सा करना है, ये वाला करना है, क्यों, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होगा, सीधा अमाउंट निकाल सकते हो। अब चाहते हो सर कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसको माइनस करते हैं, ये तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, आप ऐसा कुछ बताओ कि सीधा प्रॉफिट ही आ जाए, तो उसका भी तरीका है। ऊपर हमें वो रखना होता है जो हमें रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, ये तो मैंने यहां कॉस्ट लिख देता हूं, यहां अगर मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस 10,000 और प्रॉफिट कितने परसेंट है, 25 डिवाइडेड बाय 125, ये आ गया मेरा डायरेक्टली 2,000। तो एक तो तरीका है कि हमें एक्स लेट करके निकालना, एक तरीका हमारे पास है कि हम परसेंटेज को अज्यूम कर लें कि जो हमें गीवन है उसके अंदर अगर सेलिंग प्राइस गीवन है हमें, तो इसका मतलब बड़ा है तो प्रॉफिट ऐड होके होगा, तो डिवाइड बाय हमने क्या करा, परसेंटेज को ऐड कर दिया। बस आपको थोड़ा रिमाइंड रखना और कुछ नहीं। तो गीवन परसेंटेज ऑन कॉस्ट इस एग्जाम्पल में भी किसके ऊपर प्रॉफिट गीवन है, और इस एग्जाम्पल में भी कॉस्ट पे, लेकिन फर्क यह था यहां पे वैल्यू गीवन था इस वाले एग्जाम्पल में कॉस्ट, यानी परसेंटेज ऑन कॉस्ट और वैल्यू भी कॉस्ट है, तो क्या कोई लेट एक्स करना है, सिंपल आप परसेंटेज क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट है और वैल्यू सेल्स में है, अब दिक्कत है यहां पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो आप एक्स लेट करके उसका प्रॉफिट निकाल लो, या फिर आप किससे निकाल लो, परसेंटेज से। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट अभी थोड़ी देर में देखेंगे, उससे पहले अब देखो, अगर परसेंटेज दे दे सेलिंग प्राइस पे, परसेंटेज किस पे दे दे, सेलिंग प्राइस पे, और हमें गीवन है यहां पे, सपोज करो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, इसका बाद में लेंगे, सेलिंग प्राइस पे एग्जांपल नंबर 3, इसके लिए ये एग्जांपल है, मैंने दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, मान लेते हैं 10%, और सेल्स गीवन है आपको 10,000, आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, और फाइंड करना है कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है हमारा, कि हमें गीवन सेल्स है और वैल्यू भी किसमें है, तो अब हमें सिंपल तरीके से परसेंटेज निकालोगे आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यानी यहां पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100, यानी 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो आप,
माइनस करके कॉस्ट क्या आ जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर आपका यही पॉइंट थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, यहां तक समझ में आया आपको? अब इसके अंदर थर्ड एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूं यहां पे, इसके लिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कॉस्ट प्राइस के लिए। मैंने यहां पे लिखा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, ठीक है। कॉस्ट मैंने दे रखा है आपको 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है और मैंने दिया क्या है आपको कॉस्ट। फाइंड करना है आपको प्रॉफिट और फाइंड करना है आपको सेलिंग प्राइस, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो दो पॉइंट मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर देखा जाए तो सेल्स अलग, प्रॉफिट किसी और पे है और वैल्यू कोई और है, तो सिंपल एक एक्स लेट करके तो फाइंड कर ही सकते हैं। एक्स लेट करके देखते हैं, फाइंड करके इसका आंसर यहां पे है। एक्स लेट करके कैसे कर सकते हैं, हमें कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट क्या है हमारा 10,000 और प्लस प्रॉफिट किसके ऊपर है सेल्स पे, और सेल्स को क्या माना है मैंने एक्स, तो यानी एक्स बाय फाइव, यही होगा एक्स बाय फाइव। एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, एक्स बाय फाइव इज इक्वल टू 10,000, यानी आपका 4x/5 इज इक्वल टू 10,000। मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या आया हमारे पास 12,500। ये क्या आया है एक्स हमारा सेलिंग प्राइस, तो 12,500 निकाल लिया। जब सेलिंग प्राइस पता चल जाए और कॉस्ट प्राइस पता हो तो इजीली प्रॉफिट निकाला जा सकता है, जो कि आ गया हमारा 2,500। ये तो था एक्स लेट करके, लेकिन शॉर्टकट में कैसे करना है हमें, शॉर्टकट में कैसे करें इसको ये देखते हैं। है क्या हमारा, अब देखो हमें कॉस्ट गिवन है और सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, कॉस्ट गिवन है और सेलिंग प्राइस पे, अब हमें गिवन क्या है कॉस्ट, मैं सीधा प्रॉफिट की बात करूंगा। अब प्रॉफिट हमें गिवन क्या है कॉस्ट, कॉस्ट गिवन है हमें 10,000, यानी कॉस्ट निकलेगा कैसे, अगर सेलिंग प्राइस दे तो कॉस्ट कैसे निकलेगा सोचो। अगर आपको मैं सेलिंग प्राइस देता हूं तो कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट उसमें से क्या करो माइनस। सेम हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी पता है, इसका मतलब इसके अंदर ये क्या है कॉस्ट प्राइस है और 20% है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि आपको अगर कॉस्ट फाइंड करना है तो प्रॉफिट माइनस करिए किसमें से, सेलिंग प्राइस से। अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो प्रॉफिट प्लस करो किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट में क्या करो प्रॉफिट को प्लस। तो यहां पे देखो ये हमारा है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है, ये हमारा कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 20%, यानी ये माइनस कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो गया और वो हो गया हमारा 80%। अब हम इनटू में क्या रखेंगे, कॉस्ट का 80% चाहिए, प्रॉफिट कितने परसेंट है 20, तो ये सीधा आंसर जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 2,500, सीधा जब सॉल्व करोगे तो 2,500। यानी हमें कैलकुलेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप मुझे जवाब देना, अगर मुझे जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हो और मैं आपको सेलिंग प्राइस दूं तो क्या कोई कैलकुलेशन है या डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हो और मैं आपको कॉस्ट वैल्यू दूं तो अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जिसको एक्सलेट करके आता है वो एक्सलेट करके कर ले, और जिसको परसेंटेज में मैंने समझा दिया कि कैसे करना है तो वो कर सकते हो आप। थर्ड, अगर मैं बोलू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है और वैल्यू सेल्स में दूं तो क्या करोगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे है और वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको सेल, आपका सेल्स प्राइस का सेलिंग प्राइस दे रहा हूं वैल्यू में, तो क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं या लेट एक्स करना पड़ेगा एक्स, क्योंकि दोनों मिसमैच है, प्रॉफिट बोल रहा है कॉस्ट पे और दे हमें सेलिंग प्राइस रहा है, तो वो दोनों मिसमैच है, तो हमें लेट एक्स करो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो आप इस तरीके से, यानी जो शॉर्टकट बताया है। अगर आपको कॉस्ट पे जीपी दे और सामने जो आपको वैल्यू देता है वो भी कॉस्ट ही है, अब डायरेक्ट हमारा इजिली फाइंड
किया जा सकता है, यानी ये क्लियर है। अब मैं यहां पे थोड़े से और शॉर्टकट, यहां पे अगर मैं लिखूं, स्पेस है नहीं इधर, तो मैं यहां लिखता हूं, अगर आपका सेलिंग प्राइस है और जीपी ऑन सेलिंग प्राइस है तो कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली सीधा परसेंटेज कैलकुलेट, परसेंटेज कैलकुलेट। सेलिंग प्राइस है और जीपी ऑन आपका कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है और जीपी ऑन कॉस्ट, कौन सा केस है बताओ? सेलिंग प्राइस है और जीपी किस पे है? कॉस्ट पे। देखो सेलिंग प्राइस है, जीपी ऑन कॉस्ट, तो मैंने क्या करा था यहां? प्लस करा था। तो हमें कैसे निकालना है? 100 प्लस में जीपी परसेंटेज करके। ऊपर में अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो 100 और प्रॉफिट चाहिए तो जो परसेंटेज है, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट दे रखा हो और जीपी ऑन कॉस्ट है तो आप परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर कॉस्ट गिवन हो और जीपी किस पे दे? ऑन, तो आपको कॉस्ट है और सेल्स के बारे में बता रहे, तो माइनस करना पड़ेगा 100 माइनस में जीपी परसेंटेज। सिंपल याद रखना है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है और कॉस्ट पे दे रहा है तो भाई सेलिंग प्राइस में तो जोड़ना ही पड़ता है, और कॉस्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस जीपी पे है तो सेल्स से हमें कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बाकी अगर दोनों वैल्यू सेम है, जीपी भी उसी पे और परसेंटेज भी उसी पे, तो हम डायरेक्टली इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इतना सारा मैंने काम बताया, इतना सारा काम किस लिए? क्योंकि अब जो आने वाले क्वेश्चन में हमें गुड सेंड मिलेगा वो किस पे मिलेगा? आईपी पे। किस पे मिलेगा? इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस। और हमें अब उसमें से प्रॉफिट को हटाना है, और प्रॉफिट को हटाने के लिए वो परसेंटेज देगा, और परसेंटेज अलग अलग तरीके से बता सकता है वो। क्या पता हमें कॉस्ट दे दे, जीपी ऑन कॉस्ट दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे, जीपी ऑन आपको कॉस्ट दे दे, इस तरीके से हमें सोच के करना होगा। तो आप फटाफट नोट करिएगा, ब्रांच अकाउंट में ये इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल यहां तक है, इसका एग्जाम्पल ये, और थर्ड वन का एग्जाम्पल ये, और ये अलग से मेंशन कर देना नोट में कि इन सभी आइटम पे लोडिंग प्राइस निकलेगा हमारा। फटाफट नोट करिए, अब देखना बोर्ड पे ध्यान देना, कुछ एक पॉइंट और भी है जो आपको कंफ्यूज करेगा। यहां पे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस है और वैल्यू सेलिंग प्राइस आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, कॉस्ट है और प्रॉफिट कॉस्ट पे या सेल पे, इस तरीके से डायरेक्ट। अब देखो मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड ये हेड ऑफिस है और इसका एक ब्रांच है मान लो अब ब्रांच के अंदर जितने भी पर्सन होगा, जो भी पर्सन ब्रांच में होगा, क्या उसे पता रहेगा कि कितना प्रॉफिट ऐड होके आया है? नहीं पता होगा, क्योंकि अकाउंटिंग कौन करेगा? तो उसको तो बताएगा नहीं कि भाई 10 वाला सामान मैं 12 में दे रहा हूं, उसको तो ये पता होगा कि भाई सामान लाया है और सामान बेचा है और जो कलेक्शन आया उस कलेक्शन को कहां जमा करा दो, जाके हेड ऑफिस में। अब यहां से कोई भी सामान आएगा तो जो इस ब्रांच का मैनेजर होगा ये तो यही सोचेगा कि ये सामान का ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, क्योंकि इसको ये नहीं बताया जाएगा कि ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है। इसको तो बोला जाएगा मैंने जो सामान भेज दिया है अब आपको इसको क्या करो, धीरे धीरे कस्टमर को बेचते जाओ। मैंने यहां पे बोला ये क्या है हमारा ब्रांच, हेड ऑफिस ने कोई सामान भेजा और इसके लिए, और हेड ऑफिस ने जो भेजा कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, हेड ऑफिस ने सामान भेजा कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ ब्रांच 12,000, कॉस्ट ऑफ ब्रांच 12,000। अब मुझे बताना, क्योंकि यहां से सामान कितने का था? 10,000 का, और इस पे 2,000 मैंने प्रॉफिट ऐड किया कॉस्ट प्लस, और इसको मैंने सेंड कर दिया, तो क्या ब्रांच मैनेजर क्या समझेगा? इसको कॉस्ट ही है,
वो ये थोड़ी बोलेगा कि इसके अंदर इतना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको इस बात के इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो ब्रांच मैनेजर बोलता है कॉस्ट हमारा सामान का है 12,000, किसी ग्राहक को बताता है भाई 12,000 का तो कॉस्ट ही आया है। तो आप बताओ हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कॉस्ट ऑफ ब्रांच, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ब्रांच के लिए कॉस्ट है। वर्ड आपको कॉस्ट बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे कॉस्ट नहीं मानना, इसे क्या मानना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर बोलता ये कि अब हेड ऑफिस बोलता कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 30% प्रॉफिट, ऐसे बोला इसने। यानी हेड ऑफिस कहता है कि गुड्स का कीमत 10,000 और मैं ब्रांच जो भेजने जा रहा हूं वो 30% प्रॉफिट ऐड करके भेजने जा रहा हूं। अब हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। 10,000 है, 10,000 ही होगा क्योंकि यहां पे क्लियरली क्या मेंशन है। लेकिन वही अगर ब्रांच बोले कि मैंने जो ब्रांच के लिए कॉस्ट फॉर ब्रांच, क्या ब्रांच के लिए भी कॉस्ट 10 ही होगा? नहीं, ब्रांच के लिए होगा 13,000। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि ये कॉस्ट किसके लिए बात कर रहा है, ब्रांच के लिए कॉस्ट की बात कर रहा है या फिर हेड ऑफिस के लिए। आपका एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए ब्रांच के लिए कॉस्ट की बात बोल दे, नहीं तो हर क्वेश्चन में क्या होगा आपका? हेड ऑफिस का। अब आगे देखते हैं एक पॉइंट और। अब कुछ एक ऐसा टेबल है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको आपको समझ लो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी बेसिस पे आएगा और दूसरा कोई बेस नहीं होता, इसी बेसिस पे देगा। यानी आपको कॉस्ट पे परसेंटेज देगा या फिर सेलिंग प्राइस पे देगा, तो आपको कॉस्ट का परसेंटेज पता चल जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस का देता है तो कॉस्ट का परसेंटेज पता चल जाएगा। जैसे पॉइंट नंबर वन, अगर मैं बोलूं सेलिंग प्राइस पे 20%, तो आप समझ जाना कॉस्ट पे होगा 25। जो एग्जाम में यूज होता है मैं उसी की बात कर रहा हूं, एग्जाम में यही परसेंटेज यूज होता है। तो एक बार आपके माइंड में रहेगा तो आपको सोचना भी नहीं है कि लेट एक्स करना है या 125 करे 20 करे, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर टू, अगर इस पे 16.666 या फिर 1/6 हो तो इस पे 20 होगा। पॉइंट नंबर थ्री, ये परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किया है और इस बिहाफ पे लिख रहा हूं क्योंकि 99% क्वेश्चन इसी परसेंटेज पे बना है ताकि आपको आसानी हो और एग्जाम में भी यही परसेंटेज पूछा जाता है। इसके ऊपर सेलिंग प्राइस पे 25 हो तो इस पे होगा 33.33 या 1/3। अगर इस पे 33.33 या सेलिंग प्राइस पे 1/3 बोले तो कॉस्ट पे होगा 50%। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से देखो अभी फटाफट आंसर पता चल जाएगा, ये प्रूफ भी कर लेंगे हम। एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। हाँ जी, ये आप मॉर्निंग में आ जाइए 10 बजे, ठीक है ना? 10 बजे, हाँ कल 10 बजे आइए मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे, एक प्रूफ करके देखते हैं। मान लो मैंने दिया आपको कॉस्ट 10,000 और जीपी ऑन कॉस्ट 10%, बताओ प्रॉफिट कितना होगा? 1,000। क्या इसमें कोई ये वाला फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा। चलो मैं परसेंटेज कर देता हूँ, जीपी ऑन कॉस्ट 25%। तो क्या कुछ सोचना है या डायरेक्ट निकाल सकते हो? अब समस्या पता कब आएगा, जब मैं बोलूं जीपी ऑन सेल्स। आपको दे क्या रखा है और जीपी किस पे है? तो जीपी ऑन सेल्स अगर होता है 25 तो कॉस्ट पे कितना होता है? यानी अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका 33% निकालोगे तो ये आंसर आएगा आपका, डायरेक्टली आपका आंसर ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद मैं बोलता हूं यहां पे सपोज करो सेलिंग प्राइस 10,000 और जीपी ऑन सेल्स
मान लो 20% दे दिया, चलो अब बताओ प्रॉफिट क्या? इस टेबल का हेल्प लेना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन यही मैं कहूं अगर जीपी ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 20 चाहिए सेलिंग पे, तो कॉस्ट पे 20 तो सेलिंग पे 16.66%, यानी यहां पे आंसर आ जाएगा 1666 रुपए, इस टाइप से। चलो ये क्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट प्रॉफिट। अब देखो यहां पे कॉस्ट दे रखा है मैंने 10,000 और जीपी ऑन सेल्स 25%। अब बताओ कॉस्ट दे रखा है 10,000 और जीपी ऑन सेल्स कितना है? 25%। तो अब यहां से देखो सेल्स पे 25 तो कॉस्ट पे 20, तो क्या आएगा प्रॉफिट बताओ? सेल्स पे 25, अच्छा सेल्स पे मैंने 25 20 कर देते हैं, चलो सेल्स पे कितना कर दिया 20, तो कॉस्ट पे क्या आएगा? तो यानी 12। बताओ प्रॉफिट कितना निकालें? सिंपल देखो ना, सेल्स पे अगर 25 है तो कॉस्ट पे कितना निकालेंगे? 20% डायरेक्टली प्रॉफिट बताओ। सेल्स पे कॉस्ट दे रखा है मैंने आपको, सही तो पहले बताया था, पहले सही तो बता रहा था, सेल पे इसको मैंने अपोजिट कर दिया, एक बार इसको चेंज कर देते हैं, ये होगा हमारा ये, एक मिनट रुको, ये टेबल के हिसाब से 25 कॉस्ट पे 20, नहीं सेल्स पे 20 कॉस्ट पे 25 और सेल्स पे 20 है, सेल्स पे 20 है, 20 रखा था ना। अब ठीक है सेल्स पे कितना है हमारा? 20%, तो कॉस्ट पे कितने परसेंट होगा? यानी यहां पे जो आंसर आएगा, अभी आपने इससे पहले चेक करो, मैंने एग्जाम्पल जो लिया था उसके अंदर ये सेम एग्जाम्पल भी था, तो वहां पे भी आंसर क्या आया था हमारा? 25%। अब देखना सेलिंग प्राइस दे रखा है मैंने सपोज करो 10,000 और जीपी ऑन कॉस्ट मैंने दे दिया आपको सपोज करो 25%। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 10,000 और जीपी किस पे है? कॉस्ट, तो डायरेक्ट तो नहीं निकाला जा सकता, तो यानी कॉस्ट पे 25 चेक करो और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पे 25 यानी कितना? 20, तो आंसर इसका भी इसका आएगा 2,000। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने कुछ ऐसे परसेंटेज पहले ही कैलकुलेट कर लिया, आपको पता होना चाहिए, अगर कॉस्ट पे हमारा 25 तो सेल्स पे होता है 20, यानी सेल्स पे हमेशा कम परसेंटेज होता है और कॉस्ट पे हमारा हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। देखो यहाँ 33 होगा तो यहाँ पे हमारा आएगा 20%। अगर मैं आपको देता हूं, सपोज करो मैंने आपको दे दिया सेलिंग प्राइस दे दिया 10,000 और मैंने कॉस्ट पे जीपी दिया मैंने 33.333%, सेलिंग प्राइस कितना है और जीपी कितने परसेंट है? 33.33 या 1/3 किस पे है? कॉस्ट पे 33, तो हमें सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट परसेंटेज पता चल सकता है, क्या आएगा? यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा? 2,500 रुपए। ठीक है, तो यानी एक बार आपको ये टेबल भी नोट करना है। अभी क्या देखा हमने इस एग्जांपल में, कॉस्ट टू ब्रांच यानी सेलिंग प्राइस होता है और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, तो एक बार ये नोट कर लेना बस आप फटाफट। देखना इससे पहले जो डेटर अकाउंट बनाया था हमने, डेटर अकाउंट तो वही रहने वाला है, डेटर अकाउंट में चेंज नहीं है, ब्रांच अकाउंट पहले हमने कॉस्ट प्राइस पे सीखा हुआ है, अब ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे कैसे बनाएंगे उसका मैंने हिंट दिया था थोड़ा पहले अभी, अब उसका फॉर्मेट देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया और मैंने यहाँ पे दिया स्टॉक और इसके ब्रैकेट में लिख दिया मैंने आईपी, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्टॉक है वो सिंपल स्टॉक नहीं है, ये सेलिंग प्राइस पे है। अगर कोई मुझे बिजनेस के अंदर
कोई एसेट्स मिलता है, सपोज करो आपका मिलता है यहां पे कंप्यूटर या फिर फर्नीचर, तो उसको भी यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। एनी अदर कोई एसेट्स मिलता है, सपोज करो कैश का बैलेंस मिल गया, तो उसे यहीं पे रिकॉर्ड करना है हमें, और इसे यहां लिख देंगे। इसके बाद हमें डेबिट साइड में और क्या लिखना है, और लिखना है गुड सेंट। जैसे ही गुड सेंट देगा तो माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये गुड सेंट है किस पे, तो ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूं तो क्लियर है कि ये आईपी पे है। इसके बाद यहां पे सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंसेस। अब कौन से एक्सपेंसेस यहां लिखे जाएंगे वो अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जो खर्चे हेड ऑफिस पेमेंट करेगा उसी को दिखाएंगे। तो अगर मैं यहां पे रेंट लिख रहा हूं तो रेंट का पेमेंट हेड ऑफिस ने किया है, ये मैंने लिख दिया यहां पे रेंट। अगर मैं यहां सैलरी लिख सकता हूं, मैं यहां पे जनरल एक्सपेंस लिख सकता हूं, और ये सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया। और इस साइड में लिखेंगे बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस में क्या आएगा आपका, आएगा नगद में जो बेचा गया, और कौन सा आएगा कलेक्शन, और कलेक्शन को लिखेंगे। कलेक्शन कहां से, कहीं से भी हो, नॉर्मली डेटर से। अगर हेड ऑफिस को सामान वापस कर दिया जाए तो बाय साइड में लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न टू हेड ऑफिस यानी एचओ। अगर कोई बैलेंस सीडी है तो बाय साइड में लिखेंगे बैलेंस, हालांकि मैंने यहां पे बैलेंस बीडी नहीं लिखा, लेकिन लिखना चाहिए, यहां पे बैलेंस बीडी रहेगा। चलो आप लिख लेना यहां पे। यहां पे मैंने लिखा स्टॉक, और ये स्टॉक ऑल्सो आईपी पे। इसके बाद फर्नीचर, और यहां पे मैंने लिख दिया, और कैश का बैलेंस भी यहां मैंने मेंशन कर दिया। डेटर नहीं है, सपोज करते हैं डेटर है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं था, अगर होगा तो यहां लिख देना है डेटर तो हमें। अब क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी तो सेम यही फॉर्मेट सीखा था, लेकिन आज वाले फॉर्मेट में एक चेंजेस आएगा, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो दे रखा है वो इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सोचना है कि किस किस को इनवॉइस प्राइस का हमें प्रॉफिट को रिमूव करना है। ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, सेल तो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे, इसको कुछ नहीं करना, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, इसके प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। कहाँ हटाए, बाय साइड, और बाय साइड में लिखूंगा स्टॉक रिजर्व, और ये मैंने लिख दिया, और इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा किस पे था, ओपनिंग स्टॉक पे, ओपनिंग स्टॉक पे। फर्नीचर पे तो होता नहीं है, कैश पे गुड सेंट का है, इसका भी लिखना पड़ेगा इधर बाय स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या, अगर ये मैंने बोला 8,000 का सामान 10,000 लिखा है तो इधर कितना लिखोगे, 2,000। अगर मैं बोल रहा हूं 8,000 का सामान 10,000 में यहां लिखा है मैंने, तो 2,000 ही तो प्रॉफिट है, उस 2,000 को तो इधर लिखना है आपने। ये हमारा गुड सेंट पे, एक्सपेंस पे तो कभी लोडिंग निकलेगा नहीं। अब इस साइड चेक कर लेते हैं, क्या इस पे भी लोडिंग निकालना है, बिल्कुल इस पे भी निकालेंगे, स्टॉक रिजर्व। अब इसके ब्रैकेट में लिखा नहीं है आईपी, तो हमेशा अजम्पशन ले लेना जब आईपी वाला क्वेश्चन होगा कि वो आईपी पे ही रिटर्न हुआ है, जब तक कॉस्ट पे ना बोला जाए। ये किस पे निकाला है मैंने, रिटर्न पे। और कोई इंफॉर्मेशन चेक करो, आप खुद बताओ, स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक पे, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। थोड़ा सा काम बढ़ गया, और ये क्लोजिंग स्टॉक पे थोड़ा काम इंक्रीज हो गया। ये हमने, मुझे ये बताना कि ये स्टॉक रिजर्व क्यों निकाला हमने, ताकि हम क्या निकाल पाए, अपना प्रॉफिट। अगर स्टॉक रिजर्व निकालेंगे नहीं तो प्रॉफिट निकल ही नहीं पाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव करके देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों साइड सेलिंग प्राइस रखा था तो प्रॉफिट निकालना
आसान नहीं था, हमारा दोनों साइड का आ गया था इक्वल। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट है और इनवॉइस प्राइस पे है। चेंजेस क्या है, बस हमने उस पॉइंट के ऊपर से लोडिंग को ट्रांसफर कर दिया। टू वाले का लोडिंग मैंने बाय साइड में लिख दिया और बाय वाले का लोडिंग टू साइड में, ताकि हमारा सही प्रॉफिट निकल पाए। आप पूछोगे डेटर अकाउंट, बिल्कुल सेम, उसमें कोई लोडिंग का रोल नहीं होगा, कैश अकाउंट में कोई रोल नहीं होगा। तो आप फटाफट से एक बार ब्रांच अकाउंट नोट करो आईपी प्राइस पे, और इसके नीचे नोट में लिख देना डेटर एंड कैश अकाउंट विल बी प्रिपेयर सेम एज बिफोर, जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनाया जाएगा। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपका बोर्ड पे ध्यान देना है आपने, क्वेश्चन नंबर 6 है। लास्ट क्लास में क्या क्या किया था नहीं किया था वो देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक कहाँ तक कवर कर लिया था, हमने सीख लिया था कि भाई इनवॉइस प्राइस क्या है, या उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं सेलिंग प्राइस। उसके बाद लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व का मीनिंग था प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है। उसके बाद जब हमें परसेंटेज कॉस्ट पे गिवन हो और वैल्यू कॉस्ट गिवन हो तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज कॉस्ट पे गिवन हो और वैल्यू सेल्स में गिवन हो तो या तो लेट एक्स करके फाइंड कर लो, या फिर आपको मैंने दूसरा शॉर्टकट बताया, और तीसरा जो मैंने टेबल लिखवाया, अगर उस टेबल में से वो आता है तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अगर परसेंटेज सेल्स पे है और वैल्यू सेल्स पे दे रखा हो तो डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज अगर सेल्स पे है और वैल्यू कॉस्ट में है तो अगेन हमें फिर से टेबल या लेट एक्स करके फाइंड करना होगा। तो इसके बाद ब्रांच अकाउंट का हमने फॉर्मेट भी देख लिया था कि किस तरीके से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक का, 6th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक्स कंपनी हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, ब्रांच दिल्ली का है, गुड्स आर इनवॉइस एट हेड ऑफिस, कॉस्ट +33 आपका 13। इसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं इसको सॉल्व करके, तो इसका मीनिंग होता है 1/3। अगर कॉस्ट के ऊपर 33.333 है तो सेल्स के ऊपर 25 होगा। मैंने बोला था मैक्सिमम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसी परसेंटेज के बेस पे आएगा। और अगर ऐसे आपको लगता है कि कई बार हमारा क्या पता गलत हो, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े डाउटी टाइप के कि हमें क्या पता सही निकले ना निकले, तो लेट एक्स करके फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें इनवॉइस प्राइस देगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर लोडिंग निकालने के लिए 33% नहीं निकालना, हमें निकालना पड़ेगा 25%, क्योंकि सेल्स आपको परसेंटेज है कॉस्ट के ऊपर और वैल्यू आपको यहाँ पे जो मैं मैक्सिमम यहाँ देख रहा हूँ सब किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। वैल्यू देखो, सबसे पहले कहता है फाइंड आउट द प्रॉफिट एट अकॉर्डिंग टू द डेटर सिस्टम, और डेटर सिस्टम ही चल रहा है। सबसे पहले ओपनिंग आपको बैलेंसेस कुछ गिवन है, डेटर का बैलेंस गिवन है पेटी एक्सपेंस और फर्नीचर, तो डेटर का बैलेंस यहां पुट कर देंगे टू डेटर, और इसका अगेन हमें यहां लिखना पड़ेगा डेटर में बैलेंस बीडी। अमाउंट क्या है डेटर का 10,000, और यहां भी 10,000 आ जाएगा, और फर्नीचर का बैलेंस पहले स्टार्टिंग में बैलेंस देखो, कई बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं और कई बार मैं लिखता हूं इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले है डेटर का बैलेंस और ये 10,000, इसके बाद हमारा बैलेंस नेक्स्ट गिवन है डेटर के बाद पेटी कैश, पेटी कैश का बैलेंस, और एक अमाउंट क्या है 1,000। आज ना हम एक न्यू पॉइंट भी सीखेंगे और दो अकाउंट सीखेंगे, ये मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया। आज से पहले हमने इसका डिस्कशन नहीं किया था, पेटी कैश होता क्या है और इसको किस तरीके से अकाउंट और कब प्रिपेयर करें और कब नहीं करें ये नहीं देखा था। तो पेटी कैश के ऊपर मैंने स्टार बना दिया, और सबसे पहले पेटी कैश होता क्या है, बिजनेस के लिए लिखा एक्सपेंस है लेकिन होता ये एसेट है, तो एसेट्स का बैलेंस इधर से स्टार्ट होगा और इधर से माइनस हो जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा इसका, तो इसलिए पेटी कैश को मैं लिख रहा हूं बैलेंस बीडी। अभी मुझे पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मैंने बस बता दिया क्योंकि आने वाले कॉन्सेप्ट में यूज तो होना ही है।
इसके बाद फर्नीचर, 2000 फर्नीचर है, ठीक है। अब फर्नीचर का अकाउंट अगर आपकी इच्छा आपको करता है कि बना ले, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, तो मस्ट आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अगर नहीं बोलता तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, फर्नीचर और डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन जो दे रखा माइनस करके डायरेक्ट हम यहां पे दिखा देते हैं ना बाय साइड में, बाय बैलेंस। यानी हमें सीडी इन तीनों का चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। आगे देखते हैं, अब स्टॉक भी है और ब्रैकेट में ना आईपी लिखा है, तो आपको अच्छे से पता होगा स्टॉक आईपी, और स्टॉक आईपी पे कितना है, 8000। जो फर्स्ट क्लास में बच्चे कुछ एब्सेंट थे उसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, और मेरे पास जो कांटेक्ट नंबर सेव था वो मैंने उनको फॉरवर्ड भी कर दिया है। तो जिनका फर्स्ट क्लास एब्सेंट थे, कैसे ब्रांच अकाउंट है, और सेकंड क्लास में तो लगभग सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे ही, तो सेकंड क्लास की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कल तक। अब देखते हैं, डेटर हो गया, आईपी स्टॉक हो गया, यानी स्टॉक के ऊपर हमें लोडिंग निकालना पड़ेगा। क्यों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था किस किस पे लोडिंग निकालना है हमें। पॉइंट नंबर वन, स्टॉक चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग, गुड्स एंड नंबर थ्री रिटर्न, इसके ऊपर हमें लोडिंग निकालना होगा, ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग। अब देखते हैं स्टॉक के ऊपर निकालना है लोडिंग, तो मैं पहले स्टार बना लेता हूं ताकि लास्ट में एक साथ ही लोडिंग निकाल लूं मैं। इसके बाद आगे कहता है कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, हेड ऑफिस ने मुझे कैश सेंट कर दिया। तो एक तरीके से जब हेड ऑफिस कैश सेंट करेगा मुझे, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा, इस साइड में दिखाऊंगा टू पेटी कैश एक्सपेंस, और कितने अमाउंट सेंड किए उसने, 2000 सेंड किए। अभी अब जब मेरे पास पहले से 2000 रुपये पेटी कैश था, मान लो गिवन है 1000 रुपये, और 2000 हेड ऑफिस के पास से आ गए, तो मेरा पेटी एक्सपेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको पता है डेबिट से एसेट्स बढ़ेगा और क्रेडिट से, तो हमें इधर लिखना पड़ेगा एचओ, और इसने कैश में सेंड कर दिया मुझे, और अमाउंट कितना दिया, 2000, ठीक है। इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन में, तो इसके बाद कहता है ब्रांच एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ब्रांच का एक्सपेंस और लॉसेस, अगेन क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है, तो अजम्पशन लेंगे कि ब्रांच ने पेड नहीं किया, एचओ दे रहा है, ये अजम्पशन रहेगा हमारा। और उसके लिए मैं नोट भी लिखूंगा नीचे कि वी अज्यूम दैट ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आगे कहता है फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट, तो भाई किसने पेड किया, हेड ऑफिस ने, तो आएगा यहां पे फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट, अमाउंट क्या है, 2056। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैड डेट्स, बैड डेट्स जो है एक्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, बैड डेट्स। अब देखो कई स्टूडेंट लास्ट क्लास से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो सीख ही रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे बैड डेट्स भी खर्चा है क्यों ना यहां दिखा दे, लेकिन बैड डेट्स जो एक्सपेंस है वो दूसरे वाले मेथड में यूज करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे, लेकिन दूसरे वाले मेथड में। अभी बैड डेट्स हमारा रिलेटेड होगा डेटर से, और बैड डेट्स की वजह से ऑलवेज डेटर क्या होता है, कम, तो बाय साइड में लिख देंगे बैड डेट्स। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वजह से भी डेटर कम होता है, नहीं, उसको इग्नोर कर देंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो। ये है 50 रुपीज, बहुत नॉमिनल सा बैड डेट्स है। इसके बाद आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे होगा 80 रुपीज, तो हमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, यहां पे सीधा फर्नीचर लिखना है, और फर्नीचर इस 2000 में से 80 माइनस करके 1920 रुपए दिखा दिया मैंने, ठीक है, क्लियर। अगर अकाउंट बनाना चाहो तो अकाउंट बनाओगे, अकाउंट कैसे बनेगा, एसेट्स का यहां पे लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी, और डेप्रिसिएशन बाय साइड में, और बैलेंसिंग फिगर, आगे हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारे सिलेबस के अंदर। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का पेटी एक्सपेंस 80, और पेटी एक्सपेंस 80 का मत हाँ, पेटी एक्सपेंस कितना है, 1500, तो ये खर्च हो गए, पेटी एक्सपेंस ना खर्च हो गया है। तो जब मेरे पास एसेट्स है पेटी एक्सपेंस, तो स्टार्टिंग में आए तो इस साइड, आने के बाद हेड ऑफिस ने और भेज दिया तो इसी साइड दिखाया, इसके बाद खर्च होगा तो माइनस इधर से होगा, तो बाय यूज या कंज्यूम लिख देता हूं, ब्रैकेट में यूज कर देते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है, एक्सपेंस हो चुका है।
1500 रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं, और क्या पेटी एक्सपेंस जो खर्च हुआ यहां पे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसका डिस्कशन मैंने स्टार बनाया है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, लेकिन अभी कैसे दिखाया है वो अभी पता चल जाएगा, वो डायरेक्टली शो हो जाता है। सेल्स, कैश में सेल्स है और क्रेडिट में सेल्स है, तो कैश में सेल्स तो सारा भेज दो भाई, और बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस भेज देते हैं कैश सेल्स 50,000, लेकिन क्रेडिट सेल्स जो है वो डेटर से रिलेटेड है, तो टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और अमाउंट क्या है 36,000, 36,000। आगे देखते हैं कंटिन्यू में, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर, जब बोला जाए सिर्फ गुड्स रिटर्न बाय डेटर या सिंपल बोला जाए सेल्स रिटर्न, तो इसका मतलब डेटर ने ब्रांच को ही वापस किया है। एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट से लास्ट में, जब डेटर वापस कर दे सीधा हेड ऑफिस को, तो यहां पे दिखाते हैं। लेकिन सिंपल सेल्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर तो मींस आपका ब्रांच में ही आ रहा है, तो सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और अमाउंट 800। इसके बाद कंटिन्यू में आगे देखें तो कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब ब्रांच हेड ऑफिस को भेज रहा है, तो इसका इंपैक्ट ब्रांच अकाउंट पे पड़ेगा, और इस साइड दिखा देते हैं, बाय रिटर्न टू हेड ऑफिस। एक और पॉइंट यहां पे लिखते हैं, ये रिटर्न तो लिख ही रखा है, किसको, टू एचओ, इस पे भी लोडिंग निकलेगा, रिटर्न टू एचओ कितने का है 2000। यहां पे समस्या ये है, ये किस प्राइस पे है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इनवॉइस प्राइस पे है या नहीं है। अगर इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता तो लोडिंग निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो लोडिंग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया, तो अज्यूम करेंगे, अगर दो तीन इंफॉर्मेशन इनवॉइस प्राइस पे है तो हम अज्यूम करेंगे बाकी का भी इंफॉर्मेशन किस पे होगा, इनवॉइस प्राइस पे ही एग्जामिनर ने दे रखा होगा, और इसके लिए नोट लिख देंगे कि ऑल, जैसे कि मैंने इसके लिए माना हुआ है रिटर्न के लिए, तो इसके लिए मैं नोट दे दूंगा नीचे, ठीक है ना। अब इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इट मींस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये बाय साइड में आ जाएगा, बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और कैश में रिसीव किया है, तो कैश में डेटर से रिसीव कर लिया अमाउंट 20,000। अब ये कैश हम अपने पास नहीं रख सकते, हमें भेजना पड़ेगा कहाँ, एचओ में, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, आप सिर्फ डेटर भी लिखोगे तो चलेगा, और ये आ गया 20,000। इसके बाद लास्ट में कहता है स्टॉक एट एंड, आईपी पे, आईपी पे दे रखा है, तो एट द एंड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, या तो डेट दे दे या तो एट द एंड बोल दे या क्लोजिंग बोल दे, तो क्लोजिंग स्टॉक समझ जाना है। तो आपका स्टॉक है यहां, और ब्रैकेट में आईपी, मैं हर क्वेश्चन में ना हर पॉइंट में ब्रैकेट में आईपी लिख रहा हूं, क्या ये कंपलसरी, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बस वो लिख रहा हूं ताकि पता चल जाए। अमाउंट क्या दे रखा है 7800, ठीक है, आईपी का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 88,000, गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस, इसका मतलब हेड ऑफिस जो भेज रहा है किसको भेज रहा है, ब्रांच को, तो हेड ऑफिस बोलेगा भाई मैंने ब्रांच को गुड्स सेंड कर दिया, तो गुड्स सेंट, और गुड्स सेंट जो किया है वो आईपी पे है या नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है कुछ इंफॉर्मेशन, नहीं दिया। अब यहां पे देखो कहता है कॉस्ट प्लस 30%, स्टार्टिंग में लाइन देखो, गुड्स आर इनवॉइस हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस 30%, 33%, 33.33% स्टार्टिंग में बोला ना, तो यहां पे अजम्पशन नहीं लेना, स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि भाई हेड ऑफिस जो भी सामान भेज रहा है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो है इसका मतलब ये तो आईपी बन गया ना, और ये आ गया 88,000, क्लियर। क्या इसके लिए भी नोट देना, नहीं, ये क्वेश्चन में मेंशन है, समझने की जरूरत है आपको कि कहां गिवन है, बाकी हाँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, और एक नोट देना पड़ेगा किसके लिए, इन एक्सपेंस के लिए, कि कौन सा एक्सपेंस किसने डन किया है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है, आगे सारा इंफॉर्मेशन डन, प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है तो सिंपल स्टार्टिंग में कहता है कि प्रॉफिट हमारा जो
प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप या लोडिंग प्राइस कुछ भी कह लूं मैं, जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट के ऊपर 33.333% होगा। तो कॉस्ट पे परसेंटेज दे रखा है, लेकिन वैल्यू सब किस में है, ये सेल्स पे है, यानी परसेंटेज ऑन कॉस्ट। और जो हमें वैल्यू गिवन है वो किस के कौन सा प्राइस है, सेलिंग। तो हम डायरेक्ट तो 33.33 नहीं निकाल सकते, यानी या तो मैं लेट एक्स करूं या फिर मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है कैलकुलेटर पे, इजीली फाइंड कर लो, सेकंड टेबल के हिसाब से देख लो वही परसेंटेज होगा। तो टेबल में चेक करो, अगर कॉस्ट पे 33.33 है तो सेल्स पे कितना लिखा है मैंने, 25%। तो यानी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया कि भाई जितने भी हमारे आईपी है उस पे अगर 25% निकाल ले तो बात वही रहेगा। तो चलिए 25% निकालते हैं इस पे। अब 25% किस किस पे निकालना है, सबसे पहले इस पे बाय साइड में मैं लिखूंगा इसके लिए स्टॉक रिजर्व, और इसका स्टॉक रिजर्व 25% क्या होता है, 2000। ब्रैकेट में लिख भी दो आप ओपनिंग पे है, नहीं लिखो तब भी चले, साइड में इस पे लिखेंगे स्टॉक रिजर्व और ब्रैकेट में लिखते हैं हम यहां पे गुड सेंट पे। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप पूरा लिख सकते हो। अब इसका कैलकुलेट करो, 88,000 का 22,000, 22,000। चलिए अब इधर तो और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, अब इधर की लोडिंग को इधर ट्रांसफर करना चाहिए हमें। सबसे पहले रिटर्न पे टू स्टॉक रिजर्व, और अब हम निकालेंगे रिटर्न पे। चलिए अब रिटर्न पे कितना है हमारा, रिटर्न है हमारा 2000, 2000 का 25% 500 रुपए। और कोई है आइटम इधर, एक ही रहा मेरे पास सेल, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, इस पे भी निकालेंगे स्टॉक, और इधर लिख दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक है ये 7800 पे 25% कैलकुलेट करो, 1950। ठीक है, अब 1950 हमने यहां लिख लिया। अब हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा, फाइंड करना पड़ेगा, पेटी एक्सपेंस का भी नहीं लिखा, फाइंड करना पड़ेगा। स्टॉक का तो लिख चुके हैं, फर्नीचर का भी लिख चुके हैं, चलो डेटर का यहां से फाइंड हो जाएगा, डेटर का हमारा यहां से फाइंड कर लेंगे। डेटर का क्या आ गया, ये 46,000 माइनस करते हैं 20, तो बाय बैलेंस अमाउंट क्या आ गया, 25,150। और ये यहां लिखेंगे डेटर 25,000। सपोज करो क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन होता तो हमें डेटर नहीं बनाना था, क्योंकि डेटर बनाने का जो यूज किया मैंने ये किया। ठीक है, अब बात करते हैं पेटी एक्सपेंस का। अब बात करते हैं पेटी एक्सपेंस का। अब पेटी एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो पेटी एक्सपेंस क्या होता है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच के मैनेजर को कुछ पैसे दे देता है कि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया तो आप उसे खर्च कर सकते हो। तो मान लो मुझे हेड ऑफिस ने, सपोज करो ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है, और ये मैं ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं, मुझे मेरे पास स्टार्टिंग में 100 रुपए था, ठीक है, स्टार्टिंग में 100 रुपए, और लास्ट में मेरे पास बचा हुआ है 50 रुपीज, और हेड ऑफिस ने मुझे और भेजा था 200 रुपए, तो मेरे पास था कितना टोटल, 300 हो गया। इसके बाद बचा हुआ कितना है, 50, इसका मतलब कंज्यूम कितने कर लिए, 250 मैंने यूज कर लिया। ठीक है, यहां पे 250 यूज कर लिया। तो बेसिकली हमें ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या दिखाना है, कितना एक्सपेंस डन किया है, यूज कितना किया है। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसा करूं कि ये सब हटा के सिर्फ यूज को दिखा दूं, यूज कितना है हमारा 250। तो खर्चे की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, टू यहां पे पेटी एक्सपेंस 250 दिखा दूं और मेरा काम डन। लेकिन अगर मैं यहां पे 250 दिखा देता हूं तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग तब नहीं दिखाना आपको, लेकिन जब मैं ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा हूं तो ऑटोमेटिक डिफरेंस तो यहां पे आ रहा है। तो इसलिए
अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आप शो करते हो तो कितना हेड ऑफिस से पैसा आया वो शो करोगे, तो कितना कंज्यूम हुआ ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा। जैसे कि अगर मैं 250, देखो यहाँ पे कंज्यूम कितना हुआ, कैलकुलेट करते हैं, टोटल क्या था हमारा 2000 और 1000, 3000 और 3000 टोटल था, जिसमें से यूज कर लिया 1500, तो बाय बैलेंस सीडी क्या आया 1500। अब चेक करो, अगर मैं यहां 2000 मैंने यहां लिख रखा है, 1000, और यहां पे मैं लिख दूं पेटी एक्सपेंस, यहां पे मैं दिखा दूं अगर 1500 और यहां दिखा दिया 2000, तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट देखो अकाउंट में कितने का आया, 2000 और 1000, 3000, 3000 में से माइनस करोगे 1500, तो 1500 ही आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास होता है कि अगर, क्योंकि ये छोटे मोटे व्यापारी बनाते हैं जिनके ब्रांच बहुत लार्ज साइज पे नहीं होता, तो सारा एसेट्स यहाँ लिख रहा है तो बोलता है चलो सारा एसेट्स यहीं पे लिख दो और उसका क्लोजिंग एसेट्स यहाँ लिखो, तो अपने आप डेप्रिसिएशन, जैसे कि हम एसेट्स पे क्या निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन आ गया। दूसरा मेथड है पेटी कैश के लिए, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, तो जितना यूज किया होगा तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। यहाँ अगर यहाँ पे 1000 है और मेरे पास 1000 के बाद देखा जाए मेरे पास 500 रुपए का बचा हुआ है, तो डिफरेंस जो आएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा इस साइड में। सेम ऐसे पेटी एक्सपेंस के अंदर जो खर्चा होगा उसको यहां नहीं दिखाना, उस खर्चे की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं जो यूज है वही बैलेंस सीडी है, ऐसा नहीं है। अगर पेटी एक्सपेंस हेड ऑफिस भेजेगा तो यहां दिखाएंगे, अगर पेटी एक्सपेंस कंज्यूम करेंगे तो इस अकाउंट में दिखाना ही नहीं है, क्योंकि हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को यहां पे दिखा रहे हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जब हम दिखाते हैं किसी भी अकाउंट में तो वो ऑटोमेटिक उसका कितना पार्ट यूज हुआ वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है इसके अंदर। तो अगर मैं रिफ्लेक्ट भी डाल दूं, ओपनिंग भी डाल दूं, क्लोजिंग भी डाल दूं, तो एंट्री बहुत बार रिपीट हो जाएगा उसमें, तो हमें तो एक बार ही दिखाना है। तो अब जब हम आगे, मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टॉक डेटर सिस्टम, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, तो वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखाएंगे, वहां पे सीधा यूज करके दिखा देंगे हम। वो जो नेक्स्ट हमारा मेथड है डेटर स्टॉक सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम। तो सबसे पहले पहले आप ये डाउट क्लियर करो कि ये 1500 को जो यूज किया था, जो क्वेश्चन में बोलता है कि पेटी कैश एक्सपेंस हो चुका है, उसको यहां नहीं दिखाना। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल रेज नहीं होना चाहिए, सर सारे खर्चे यहां दिखाना होता है तो इसको क्यों नहीं दिखाया। मैं बोल रहा हूं यहां पे इसको मैंने दिखा दिया है, लेकिन डायरेक्ट ना दिखा के इनडायरेक्ट दिखा दिया है, ये आपके माइंड में होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग, इस अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, हम निकाल पाए बैलेंस। अब अकाउंट क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, स्टार्टिंग में मेरे पास 1000 था और 2000 और भेज दिए, टोटल तो 3000 है, जिसमें से 1500 खर्च हो गए तो बचे, और ये 1500 में क्लोजिंग। तो आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है तो करो, नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अकाउंट प्रिपेयर कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए पेटी एक्सपेंस भी मैंने यहां दिखा दिया, क्लियर है। पेटी एक्सपेंस क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, हम अपने मैनेजर को एडवांस में दे देते हैं और ताकि वो क्या कर पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए टाइम पड़ने पे, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग की बात करते हैं, अकाउंट जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है इसमें से क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो, और ज्यादा से ज्यादा केसेस में प्रॉफिट होगा, डिसोल्यूशन में लॉस निकलता था हमारा, तो 920 ये आ गया आपका 36370, एक मिनट रुको, इक्कीस हजार और टोटल कर देते हैं, 21,000 और कोई टोटल तो नहीं रह गया, 70,000, इधर का टोटल ज्यादा है, सॉरी
70,000, 2,000, 2,000, 36, 370, 132,370, 132,370, प्रॉफिट चेक करो 13,320 रुपए। ठीक है, आप फटाफट से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर हम एक अकाउंट भी सीखेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा मैं बीच में भी कुछ बातें बताता जाऊंगा जो अगले आने वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। आपका क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन कर देता है, सपोज करो के गुड्स आर इनवॉइस बाय हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस दिस परसेंटेज, इस तरीके से दे दिया, और आपको गुड्स सेंड जो है वो क्वेश्चन में देता है एट कॉस्ट। तो अगर गुड्स सेंड एट कॉस्ट देता है तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, गुड्स सेंड और एट कॉस्ट दे रखा है तो आपको तो लोडिंग निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने क्या कह दिया, जो भी इनवॉइस होगा कॉस्ट प्लस में परसेंटेज। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो 100 रुपए का सामान था और इसके ऊपर लोडिंग था आपका 50 रुपीज का, तो हमें यहां पे 100 रुपए लिख के ऐसा नहीं समझना कि 100 लिख देते हैं और इस पे लोडिंग नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं सोचना हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 150 और फिर इसका लोडिंग हमें इस साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको, क्योंकि हम इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन एट कॉस्ट गिवन है तो उस एट कॉस्ट को हमें खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा आईपी पे और फिर उसका लोडिंग उस साइड में निकालेंगे। तो सोचने में कई बार ऐसा लगेगा अजीब सा, सर हमने तो ये सीखा है कि प्रॉफिट अगर दे रखा है तो इसलिए हटाओ, लेकिन एक बार आप बता रहे हो कि पहले प्रॉफिट को ऐड करो फिर उसको हटाओ, तो इसका बेनिफिट क्या है, ये थोड़ा अजीब सा। ये इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मेट में वो सिर्फ एक ही पॉइंट देगा कॉस्ट पे, बाकी सब आईपी पे, ये भी आईपी पे रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आईपी पे रहेगा, रिटर्न भी आईपी पे, तो ऐसे अजीब लगेगा कि एक पॉइंट सिर्फ कॉस्ट पे है बाकी सारा पॉइंट आईपी पे। तो एक काम करते हैं, इसको भी किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, आईपी पे, इसलिए होगा। तो आने वाले क्वेश्चन में इस टाइप का हमें सिचुएशन देखने को मिल सकता है। और आज इस टॉपिक के अंदर एक और पॉइंट सीखेंगे जिसका नाम है गुड्स सेंट अकाउंट। ये है क्या, हम जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम देख लेंगे। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मॉडर्न शू स्टोर हैज अ ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट चंडीगढ़, एक चंडीगढ़ में ब्रांच है। तो देखो कई बार जैसे कि मैंने ब्रांच अकाउंट लिख दिया, तो इसको आप चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, चंडीगढ़ गुड्स आर इनवॉइस ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ध्यान देना ये सेल्स के ऊपर है 20%। तो अब हमें इस परसेंटेज में चिंता ही नहीं करना, क्योंकि अगर सब कुछ आईपी पे दे रखा है और हमें दे भी रखा है परसेंटेज ऑन आईपी, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऑन सेल्स द ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्ट टू द सेल ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस, कहते हैं सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस, उसने इंस्ट्रक्ट किया ब्रांच को, हेड ऑफिस ने, कि जो भी पैसा आपको रिसीव होता है वो सारा का सारा मुझे रिटर्न करना। तो वैसे भी हम रिटर्न करते हैं रेमिटेंस के फॉर्म में। ऑल एक्सपेंस आर पेड बाय हेड ऑफिस, इसने बोल दिया सारे खर्चे मैं ही पेड करूंगा, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस विच आर मीट बाय ब्रांच मैनेजर, अगर कोई पेटी एक्सपेंस होगा तो ब्रांच मैनेजर के थ्रू होगा। ठीक है, आगे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप अ ब्रांच अकाउंट एंड इट वुड बी अपियर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मॉडर्न शू स्टोर। अब कोई एक ब्रांच अकाउंट आपको ना तो डेटर अकाउंट बनाने को बोल रहा है ना ही गुड सेंट अकाउंट बनाने को बोल रहा है, तो मेरा तो आंसर सिर्फ ये रहेगा और ये दोनों वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक देता है आपको, स्टॉक जैन फर्स्ट का 15,000 रुपए इनवॉइस प्राइस पे है, तो सबसे पहले स्टॉक दे रखा है तो हमें स्टॉक यहाँ मेंशन करना होगा, टू स्टॉक टू बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में लिखा आईपी, सॉरी स्टॉक लिखेंगे और ब्रैकेट में आईपी, और अमाउंट क्या है हमारा 15,000, तो इनसाइड में लिख देते हैं, आउटसाइड भी लिख सकते हो दो आप। स्टॉक के बाद देखते हैं क्या है, डेटर, तो डेटर भी लिख देते हैं यहां,
और डेटर हमें गिवन है यहाँ पे 9000। तो आपको याद रहे जो डेटर 9000 है वो डेटर अकाउंट में भी जाएगा टू बैलेंस बीडी 9000। चलिए डेटर के बाद कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस दे रखा है तो यहां पे लिख देते हैं कैश अकाउंट, और कैश का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है हमें 400, 400 रुपए। अब इसके ऊपर स्टार बना लेते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस पेड जो था पेटी एक्सपेंस वो पेड करेगा। ऑफिस फर्नीचर है 1200 रुपए का, फर्नीचर क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1200 रुपीज का, ठीक है, फर्नीचर 1200 का है। गुड सप्लाइड बाय हेड ऑफिस इन वॉइस, तो हेड ऑफिस ने सप्लाई किया तो मतलब क्या हुआ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेज दिया, इट मीन्स ये हमें जो इंफॉर्मेशन है ये है गुड सेंड, और ये ऑलरेडी आईपी पे है, क्वेश्चन में कह रहा है ये इनवॉइस प्राइस 80,000। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ, बाय साइड में रिटर्न टू हेड ऑफिस, अब यहां इंफॉर्मेशन है नहीं किस वैल्यू पे है, तो आईपी पे था तो हम मान लेते हैं आईपी पे ही भेजा होगा, और 1000, 1000 ही रिटर्न है ना। हाँ, इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न किया तो डेटर अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न है मेरा 480। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर के बाद कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स यहां लिख देते हैं, आगे कहता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और ठीक है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी है, और ये अमाउंट है मेरा 30,000 बाय साइड में लिखता हूं मैं रेमिटेड कलेक्शन फ्रॉम डेटर और 30,000। इसके बाद हम लिखते हैं कैश सेल्स, और कैश सेल्स है हमारा 50,000। कैश सेल्स के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट डेटर को दिया जाएगा, क्रेडिट सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स है, ये लो पहले 30,000। इसके बाद डेटर है, डेटर को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट यहां पे एक्सपेंस नहीं आएगा, इस साइड आएगा डिस्काउंट 300। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस रेंट सैलरी, तो टू एक्सपेंस रेंट 1200 रुपए, सैलरी 2400, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 300, पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, और पेटी एक्सपेंस जो भी था पेड किया है ब्रांच मैनेजर ने और वो 280 है, तो अभी मैंने कैश पे एक स्टार बनाया हुआ है तो इसको भी स्टार बना लेते हैं, पेटी एक्सपेंस पे अभी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, तो यहां क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर की। अब 10% है तो 1200 पे 10%, तो 120 माइनस कर देंगे तो 1080। आगे रेंट आउटस्टैंडिंग दे रहा है, यहां पे क्लियरली मेंशन है रेंट आउटस्टैंडिंग, लेकिन अभी से पहले किसी क्वेश्चन में रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं आया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक बात तो जरूर बताया था कि अगर किसी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हो तो इस साइड लिख देना,
और ओपनिंग बैलेंस, अगर लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो इस साइड आएगा, जैसे कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इस साइड था और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड था। सेम ऐसे देखा जाए तो ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब पूछोगे सर ये कहां मेंशन है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेंशन तो नहीं है, लेकिन हमारा एक अजम्पशन है क्योंकि सारा बैलेंसेस क्लोजिंग ही आ रहा है। इसके बाद हमें प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड कर रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग लास्ट में बता रहा है, डेट नहीं दिया, तो इसके लिए भी नोट दे दो तो बेटर है, नहीं तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा और हमें पता चल गया ये लास्ट का ही ओपनिंग होता तो वो स्टार्टिंग में ही दे देता वो फर्स्ट जैन डेट डाल के। तो यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखूंगा अब, और 500 रुपए रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये लिखा मैंने 500। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद स्टॉक एट द एंड ऑफ ब्रांच में दे रखा है 14,000 रुपीज, एक स्टॉक मिल गया और वो मिल गया 14,000। ठीक है, चलो स्टॉक का बैलेंस मिल गया, डेटर का फर्नीचर का बैलेंस मिल गया, डेटर का नहीं मिला, डेटर का तो हमें यहां से मिलेगा, तो यहां से बैलेंस निकाल लेते हैं डेटर का 39,000, 39,000, और माइनस कर देते हैं 8,220 बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। चलिए अब यहां पे डेटर हम लिख सकते हैं और ये डेटर जो सीडी आया यहां यूज करेंगे 20, यानी ये बनाना कंपलसरी था एक तरीके से। अब इसका भी बैलेंस लिख चुके हैं, इसका भी बैलेंस लिख चुके हैं, इसका भी, अब रह गया कैश का, कैश का बैलेंस। तो क्वेश्चन में याद करो कहता है भाई जो भी खर्चा होगा ब्रांच का पेटी एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैनेजर आप ही करना। तो मैनेजर के पास स्टार्टिंग में कैश था कितना, 400, 400 में कुछ पैसे ही खर्च कर दिए उसने, खर्च कितने कर दिए उसने 280, तो 400 में से 280 अगर खर्च कर दे तो अब कैश इसके पास पड़ा होगा 120 रुपए। यहां पे हमें कैश का अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल बोलता है कि भाई जो भी तुम्हारे पास, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हेड ऑफिस को ये बात पता था कि ब्रांच के पास स्टार्टिंग में कुछ कैश पड़ा है, इसलिए हेड ऑफिस ने बोला पेटी एक्सपेंस का खर्चा मैं क्यों दूं, आपके पास जब कैश पड़ा है तो आप उससे यूज कर लो। तो वहां से उसने यूज करा और यूज 280 कर लिया, 280 यूज कर लिया तो हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस इजीली फाइंड कर लिया, 400 रुपए थे, 280 खर्च हो गए तो मैंने यहां दिखा दिया 120। ठीक है, तो ये हो गया कैश का बैलेंस यहां पे, और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, ये पॉइंट भी आ गया चलो कैश का। अब लोडिंग की बात करेंगे और लास्ट वन रहेगा हमारा गुड्स एंड सीखना, हालांकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम सीख लेते हैं, कई आगे क्वेश्चन में आएगा रिक्वायरमेंट ऐसे। लोडिंग किस किस पे निकलेगा, वही प्रोसेस है, एक तो स्टॉक पे बाय साइड में स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक, और 20% डायरेक्ट निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ ये दे रखा है सेल्स और परसेंटेज भी सेल्स पे है 3,000, और गुड सेंट पे भी निकालना पड़ेगा बाय स्टॉक रिजर्व, और ये है हमारा गुड्स सेंट पे, और 80,000 पे 20%, 16,000 इधर से हमारा रिटर्न पे निकलेगा टू स्टॉक रिजर्व, और ये रिटर्न, और रिटर्न था 1,000 पे 200 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक पे भी निकालेंगे स्टॉक रिजर्व, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक पे 14,000 पे 20%, 2,800 रुपए। चलिए लेकिन इसका तो यूज किया नहीं, अभी इसको सीख लेंगे लास्ट में। पंद्रह हजार 25,600 3,900 80,000
23,420। अब टोटलिंग कर लेते हैं, 123,420, और यहां आ गया हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया माइनस 25,600, 80,000, ये आया 10,420। चेक करो आंसर, 10,420। चलो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इस अकाउंट का यूज क्यों है? आने वाले क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि आपको गुड्स सेंट अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले समस्या यह है कि गुड्स सेंट अकाउंट होता क्या है और हम इसे बनाए तो बनाए क्यों? डेटर अकाउंट तो हमें बनाने का एक मोटिव मिला था, लेकिन गुड्स सेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास हुआ क्या है यहां पे क्वेश्चन में, एक तो हमने गुड्स सेंट किया, गुड्स सेंट मैंने किया 80,000 का, इसके बाद गुड्स रिटर्न भी आ गया, रिटर्न आ गया मेरे पास 1,000 का, तो बचा कितना है? और इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी, तो हेड ऑफिस जानना चाहता है कि जो मैंने सामान भेजा है, गुड्स सेंड किया है अपने ब्रांच को, वो मैंने कितने का खरीदा था, क्योंकि आपको यहां पे सब इनवॉइस प्राइस पे गिवन है, तो आपको यहां पे पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितना प्रॉफिट है। आप नॉर्मली निकाल सकते हो यहां पे डायरेक्टली कि सर 80,000 का आपने भेजा था, तो इस पे प्रॉफिट हटा दो। मैं बोलूंगा रिटर्न भी तो आया है, तो आप बोलोगे सर रिटर्न भी तो आ गया 79, इस पे प्रॉफिट हटा दो 20%। तो कोई बात नहीं, 20% में प्रॉफिट हटा दो इस पे, तो बचा कितने का? ये बचा 63,200 का। यानी हेड ऑफिस ने ये सामान ये खरीदा था कितने का? 63,200। ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा है, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, उससे हेड ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है। वो तो बोलता है पुराना है और लास्ट का है, छोड़ो उसे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने सामान भेजा है अपने ब्रांच को, वो कितने का मुझे पड़ा था। तो इसको जानने के लिए हम एक गुड्स सेंट अकाउंट बनाएंगे। या ये भी जान लिया हमने, ऐसे भी ये तो डायरेक्ट था, लेकिन एग्जामिनर बोलता है ऐसे मत बताओ, गुड्स सेंट अकाउंट बना के बताओ कि वो जानना चाहता है हेड ऑफिस। तो सिंपल, यहां से स्टॉक जो भेजा है वो इस साइड आएगा बाय ब्रांच अकाउंट। ब्रांच में कितने का स्टॉक भेजा है? 80,000। और जो रिटर्न हुआ है वो इस साइड आ जाएगा टू रिटर्न। रिटर्न कितने का हुआ था? 1,000। अब ऐसे तो परचेज निकलेगा नहीं, ये तो 79 ही निकला, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका लोडिंग इधर निकाल दे तो इसका प्रॉफिट खत्म, और इसका लोडिंग इधर निकाल दे इसका प्रॉफिट खत्म। यानी जो भी स्टॉक मेरे पास इसमें बचेगा विदाउट प्रॉफिट बचेगा, तो इसका लोडिंग मैं इधर निकाल देता हूं, सिर्फ रिजर्व भी बोल सकते हैं, ये था 200, और इसका लोडिंग मैं इधर निकाल देता हूं रिजर्व। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं सर स्टॉक रिजर्व नहीं लिखना है, लिख सकते हो, 80,000 का 16,000। चलो अब सिंपल हम यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 80,200, और हेड ऑफिस को बताएंगे हेड ऑफिस आपने परचेज किया है, और परचेज कितने का किया है चेक करो, आएगा 63,200 बैलेंसिंग फिगर। तो हेड ऑफिस जो डिमांड करता है वो बोलता है मुझे डायरेक्ट मत बताओ, स्टेट दिखाओ, मुझे अकाउंट बना के समझाओ कि कितना हमने सामान खरीदा था जो आपको भेजा है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि हेड ऑफिस ने 63,200 का सामान खरीदा था और उसी पे प्रॉफिट लगा के क्या करा, उसने भेज दिया। तो ये अकाउंट जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो बोले प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, तब तो बना देना। क्वेश्चन में बोला जाए प्रिपेयर गुड सेंट अकाउंट, प्रिपेयर कैश अकाउंट, तब तो सारा ही बनाना है। क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अकाउंट प्रिपेयर करो या ना करो। जैसे कि क्या इस क्वेश्चन में बोला है इसने? नहीं बोला, तो ये अकाउंट हमने एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना दिया है। ठीक है, इस अकाउंट का मीनिंग समझ में आया क्या है? मीनिंग है आपका जो हेड ऑफिस का, जो हेड ऑफिस है वो जानना चाहता है कि जो सामान मैंने भेजा है वो कितने रुपए का खरीदा था, तो वो निकल जाता है हमारा इस अकाउंट से। ठीक है, अब फटाफट नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7 था आपके बुक का। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है
बिड स्पेड लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच कॉस्ट +20%। अब कॉस्ट +20 कर दिया ना इसने, तो इसका मतलब ये जो 20% है ये कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट, यानी ब्रांच को मैंने अथॉरिटी दे दिया कि आप सामान को नगद बेचे उधार बेचे, वो आपकी इच्छा है। द ब्रांच मीट इट एक्सपेंस आउट ऑफ कैश, और ब्रांच को जो एक्सपेंस का खर्चा मिलेगा आउट ऑफ कैश का मतलब है जो वो ब्रांच है अपना जो भी कैश कलेक्ट करता है उसी में से खर्च करना, भाई हेड ऑफिस देने से मना कर रहा है अभी। फ्रॉम इट्स डेटर, जो भी डेटर से पैसा मिलेगा उसमें से खर्चे वर्चे माइनस करना। एंड सेल्स रेमिटेड टू द बैलेंस कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर, कहता है जो पैसे बच गए उसको हेड ऑफिस भेज देना। आफ्टर विद होल्डिंग 10,000 रुपीज नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर कैश, बोलता है जैसे कि इसका बोलने का मतलब ये है कि मान लो टोटल पैसा कलेक्शन हुआ 1,20,000, और मान लेते हैं 1,20,000 में से 5,000 का खर्च हो गया तो मुझे कितना भेज देना चाहिए। 5,000 खर्च हो गया 1,20,000 में से, तो मुझे 1,15,000 हेड ऑफिस को भेज देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहता है भाई पूरे मत भेजो, 10 और बचाओ और 10 कैश में बचा लो आप, यानी बैलेंस शीट ही बता रहा है कैश का आपको, तो 10,000 बचा लूंगा तो अब कितने भेजूंगा मैं, 1,05,000 रुपए हेड ऑफिस को भेज दूंगा। तो इसका यहां तक का कहने का मीनिंग ये है। आगे देखते हैं, आगे कहता है कैश इन हैंड ओपनिंग में हमारे पास 10,000 है, तो हालांकि मैं एक कैश अकाउंट भी बना लेता हूं यहां पे क्योंकि नेसेसरी है। एक कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, ये हमारा कैश अकाउंट। चलो यहां पे टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी में किसका बैलेंस लिखेंगे, सबसे पहले कैश का, और यहां पे भी लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस में। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में डेटर का बैलेंस दे रखा है 384, डेटर का बैलेंस है 384, तो एक तो डेटर का बैलेंस यहां लिखना है 384, और एक डेटर का बैलेंस यहां लिखना है टू बैलेंस बीडी 384। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक आईपी पे है और आईपी पे दे रखा जो स्टॉक है वो है हमारा 10,80,000। इसके ऊपर पॉइंट है इसलिए मैं इस पे स्टार बना रहा हूं। अब आपको पता है कि भाई आपको जो प्रॉफिट दे रखा है किस पे, कॉस्ट पे, और वैल्यू आईपी पे दे रहा है। अब हमें तो या तो एक्स मान लो या टेबल के यूज कर सकते हैं। कितना है हमारा आईपी पे, तो कॉस्ट पे सॉरी कॉस्ट पे कितना है 20, तो आईपी पे क्या होगा 16.66 बताया था। या तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे या लेट एक्स कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर, आगे कहता है फर्नीचर एंड फिटिंग, और फर्नीचर जो गिवन है वो 5,00,000। इसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द इनवॉइस प्राइस गुड्स डिस्पैच बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच ए ते 1,32,00,000 टू गुड सेंट 132, ये सेंड कर दिया गुड सेंट, और ये भी आईपी पे है। ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस, ठीक है। आगे कहता है कंटिन्यू में क्वेश्चन में के आउट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय ब्रांच सेंट बैक टू हेड ऑफिस इनवॉइस 72,000। इसका मतलब है जो गुड्स रिसीव किया उसमें से ब्रांच ने कुछ वापस कर दिए, तो ये है रिटर्न हमारा। तो बाय साइड में आएगा बाय रिटर्न, और ये हेड ऑफिस को है, और रिटर्न 72,000। इसके बाद आगे कंटिन्यू में क्या कहता है, अदर इंस्ट्रक्शन ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल्स किया इसने 9,70,000, तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, कैश अकाउंट में लिखूंगा सेल्स, क्योंकि पहले कितना पैसा खर्चा है वो सब काट के भेजूंगा मैं एक साथ। तो 9,70,000 या 97,00,000 है, 97,00,000 है।
इसके बाद क्रेडिट सेल्स किया इसने 31,40,000, 31,40,000। इसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 28,42,000। तो यहीं पे लिखूंगा मैं डेटर, डेटर से पैसा मिला है 28,42,000। और इधर भी आ जाएगा बाय कैश, ध्यान देना 28,42,000। आगे कहता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 58,000 बाय डिस्काउंट, यहीं पे आएगा डिस्काउंट 58,000। इसके बाद आगे कहता है रिटर्न बाय कस्टमर यानी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न है हमारा 1,02,000। चलो आगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 37,000 बाय बैड डेट्स 37,000। बैड डेट्स का एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने खर्चे पेड कर दिए तो कैश माइनस करो एक्सपेंस, और एक्सपेंस है हमारा 842। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, फर्स्ट क्लास में इतना कुछ समझाया, बताओ ये एक्सपेंस क्या यहां लिखना है? नहीं लिखना, क्योंकि कौन पेमेंट कर रहा है? ब्रांच। अगर एचओ पेड करता तो लिखते हैं हम, और इसका रीजन भी हमें पता है। ऑन फर्स्ट जन ब्रांच परचेज अ न्यू फर्नीचर, डेट पे ध्यान देना, फर्स्ट जन 2018 में खरीदता है न्यू फर्नीचर, कितने का खरीदा इसने? 1,00,000 रुपए का। वैसे तो एक फर्नीचर अकाउंट भी बना लेना चाहिए, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको अकाउंट ना बना के सिंपल एक कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे। यानी ओपनिंग में फर्नीचर कितने का था? 5,00,000 का, और एक मैंने फर्नीचर खरीदा 1/1/2018 में कितने का? 10,00,000 या 1,00,000? 1,00,000 का। चलो आगे कहता है ऑन 31 मार्च ब्रांच एक्सपेंस अमाउंट 6,000 वर आउटस्टैंडिंग कैश, और 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किधर लिखना चाहिए? लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, टू साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000। आउटस्टैंडिंग कैश इन हैंड 10,000, जो स्टार्टिंग में लाइन बोला था ना इसने, उसी लाइन को दोबारा रिपीट किया कि कैश इन हैंड रखना है 10,000। पहले भी बोला था भाई 10,000 बचा लेना, अब यहां बोल रहा है कैश इन हैंड क्लोजिंग में कितना है हमारा? 10,000। तो बैलेंस सीडी 10,000। आगे कहता है फर्नीचर पे 16% पर एनएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्वेश्चन यहीं तक है। तो सबसे पहले मैं बाय साइड में बैलेंस सीडी लिख लूं सबका, सबसे पहले कैश का बैलेंस तो 10,000 ही होगा, अकाउंट बंद नहीं किया फिर भी पता है कि 10,000 होगा, लेकिन यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना उसे हेड ऑफिस को भेज देंगे। समझते हैं, 10,000 तो पहले था, 97,00,000, 28,40,000, टोटल आ गया 1,20,000 है ना, 10,000 ये आ गया टोटल 125,52,000, 125,52,000 ये आ गया। ये लो, अब इतना पैसा टोटल हमारे पास है जिसमें से खर्च कर दिए 8,42,000, जिसे मैं काट लूंगा, और 10,000 बचाने भी है, ये भी लो, और ये आ गया 1,17,00,000। तो बाय रेमिटेड एचओ को 1,17,01,17,00,000, ये समझ में आ गया। कैश का डेटर का बैलेंस कैसे लिखें? ये आ जाएगा हमारा यहां से, डेटर का बैलेंस तो यहीं से आ जाएगा हमारा आंसर। तो 384 और 3140, 35,24,000। बोर्ड पे ध्यान से देखना बस, लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये नहीं कि घर जाने के चक्कर में सब छोड़ दो। ये 28,42,000, 58,000, 1,02,000 और 37,000।
डेटर आ गया 485 और इसे यहां लिखेंगे डेटर 485। चलो ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। स्टॉक, स्टॉक तो है ही नहीं क्वेश्चन में, अब इसका हेल्प लेना पड़ेगा मुझे। क्लोजिंग स्टॉक, अब सबसे पहले बताओ स्टॉक होता क्या है हमारे लिए, इधर से प्लस और इधर से माइनस, तो टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी कितने का स्टॉक है, 1,08,000 या 10,80,000 है, 10,80,000। और गुड्स सेंट हुआ तो स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स सेंट से स्टॉक कितना बढ़ गया हमारा, 1 करोड़। अब जैसे स्टॉक बढ़ा इसके बाद घटेगा कब, रिटर्न की वजह से, रिटर्न की वजह से घट जाएगा हमारा बाय साइड में। क्वेश्चन में कहता कि एक हमारा एबनॉर्मल लॉस भी है तो उससे भी घट जाता, तो बाय साइड में दिखा देते हैं। और तो माइनस होने का रीजन नहीं है, तो अब बचेगा जो आएगा बैलेंस सीडी, और सेल्स किया उससे भी तो घटेगा स्टॉक, ये तो भूल ही गए, जो कैश में बेचा है और जो इससे भी तो स्टॉक रिड्यूस होगा, तो 97 लाख और 28 लाख, नहीं ये तो कलेक्शन है, सेल्स 31,40,000, 31,40,000 रुपए का। ये समझा आपने, स्टॉक, स्टॉक हमारा एसेट से इस साइड से बढ़ेगा और इस साइड से क्या होगा, घट जाएगा। बढ़ने का रीजन बैलेंस बीडी, अगर सामान आता जाएगा हेड ऑफिस से तो बढ़ता जाएगा, रिटर्न कर दिया भाई में, सेल्स करेंगे अगेन स्टॉक निकलेगा मेरे पास से, और हमारा क्रेडिट सेल्स करे चाहे कैश सेल्स करे दोनों में स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी होगा। 1428 माइनस कर देते हैं 72,000, 97 लाख, ये आ गया 13,68,000, 13,68,000 क्या, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स कर दिया, कैश सेल्स कर दिया, सेल्स रिटर्न से, हाँ स्टॉक बढ़ेगा सेल्स रिटर्न से, टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है कितने है हमारा सेल्स रिटर्न, ध्यान से फिर से सुन लो, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया था। अगर मैं बोलता सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स यहां लिख रहा हूं मैं, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, तब नहीं दिखाता। अब सेल्स रिटर्न होगा तो मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए सेल्स रिटर्न इधर दिखा दिया, तो ये टोटल फिर से चेंज होगा, सेल्स रिटर्न रह गया था। चलिए वन फोर थ्री ए टू अब माइनस करते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए ये 31,40,000, 14,70,000 ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, जिसे मैं यहां दिखाऊंगा 14 लाख। तो इस अकाउंट को बनाने का पर्पस सिर्फ यहां पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना था। हर क्वेश्चन में क्या होता था, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकाल के देता था, तो जब सारे क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक निकाल के देता था तो कोई टेंशन ही नहीं था मेरे पास, कोई स्टॉक अकाउंट का मैंने डिस्कशन भी नहीं किया। तो अब सिंपल स्टॉक अकाउंट हमने बना लिया और यहां से क्या फाइंड कर लिया, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और रेज होगा, ऐसा पता नहीं क्वेश्चन में क्या क्या बोलेगा, तो हमें कैसे पता चले अकाउंट्स बनाएगा, मैक्सिमम हो चुका है अब और कुछ नहीं बोलेगा, अब और माइंड में कुछ मत सोचना कि और क्या क्या बोलेगा, मैक्सिमम है ये। इसके बाद ये भी लिख लिया, स्टॉक भी लिख दिया, फर्नीचर, अब फर्नीचर का कैलकुलेशन, ये तो साल के स्टार्टिंग में है, 1/4/2000 कब है स्टार्टिंग देखना इसमें, क्वेश्चन 9 ना 17, इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है, 16%, तो इस पे तो 80,000, यहां से बैलेंस बचा 4,20,000,
यहां से बैलेंस बचा हमारा 4,20, इस पे लगेगा 31/3/2019 तक। हालांकि ये भी कब तक का है, 31/3/2019 तक, लेकिन पूरा साल है। यहां पे गैप देखो कितना है हमारा, यहां पे गैप है ओनली 3 मंथ, तो 3 महीने का लगाएंगे। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, 1 लाख इंटू में 16/100 इंटू 3/12 इंटू में 3/12, 3/12 कैसे आया, क्या 18 17 का था, अच्छा ठीक है, मैंने हाँ ठीक है 18 ही आएगा, ये 18 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 लाख पे 16%, ये आ गया 4,000 -96 आ गया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, ये करा क्यों, क्योंकि हमें यहां पे फर्नीचर भी तो लिखना है और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, एक तो ये अमाउंट, लेकिन एग्जामिनर यहां पे क्वेश्चन में चेंज कर सकता है कि न्यू फर्नीचर जो खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन नो नीड टू चार्ज। तो ऐसे केस में 4,20,000 और 1 लाख पूरे 5,20,000 दिखाएंगे, वो आपको लैंग्वेज पढ़ना है, जब नहीं बोला तब ये होता है हमारा काम। तो फर्नीचर आ जाएगा 4,20,000 और प्लस में 5,16,000। चलिए फर्नीचर हो गया सारा इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट। अब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, स्टॉक अकाउंट भी यूज कर लिया डेटर, अब तो सिर्फ एक ही काम रह गया है और प्रॉफिट निकालना है यहां से। ₹19,74,000 और इसका टोटल देख लेते हैं। अच्छा लोडिंग रह गया ना, बाय साइड में स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व मैंने बोला था 16.6, या आप जैसे परसेंटेज निकालते हो वैसे निकाल सकते हो। ओपनिंग पे, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1,10,80,000, 16.666%, ये आ रहा है हमारा 1,80,000। अब देखो कैलकुलेटर हर स्टूडेंट ले ले, काफी दिन से मैंने बोला हुआ है लेकिन आप सब इग्नोर कर रहे हो। कैलकुलेटर के अंदर आपको बताना पड़ेगा, अगर 16.6 बोला है तो एंड तक 6 लेके जाना जितने भी डिजिट, तब आपको रिजल्ट मिलेगा वहां पे। इसके बाद बाय स्टॉक रिजर्व, और ये आएगा हमारा गुड सेंट पे, ये आ रहा है हमारा 21 लाख, यानी 22 लाख, 22 लाख स्टॉक रिजर्व बहुत है इस पे। अब चलो टू स्टॉक रिजर्व, ये है हमारा रिटर्न पे 72,000, ये आ गया हमारा 12,000 और टू स्टॉक रिजर्व, और ये आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक पे, इस पे 14,70,000 और 6, ये आ गया हमारा 2,45,000। चलिए अब तो सारा काम कंप्लीट हो गया, और कुछ रह गया क्या, वन सिक्स 633,000, 16633, और इधर टू सरप्लस, प्रॉफिट चेक करो 11,96,000, प्रॉफिट चेक करना आप,
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब फटाफट नोट करिए, होमवर्क में रहेगा आपका 10,96,000 आ रहा है, 11 लाख कैसे आ गया, क्या 2,20,000? यानी 1 लाख का डिफरेंस। ये चेक करो स्टॉक सही है, स्टॉक का आंसर सही लिखा है बुक में, 14,70,000। फर्नीचर का बैलेंस, ये 22 लाख ही लिखा है मैंने, 2,20,000 आएगा। अरे गुड सेंट 1 करोड़ है, दो चेक कर लेते हैं। अरे 1,32,00,000 पे थोड़ी आएगा 2,20,000। हाँ जी ऐसे तो देखते हैं अभी, आप नोटिंग स्टार्ट करो, कोई भी अगर एरर है तो मैं उसे फाइंड कर देता हूं। यहां पे यहां तो प्रॉफिट 10,96,000 है। टोटल तो सेम लिखा है इन्होंने, अच्छा एक पॉइंट रह गया, जो फर्नीचर खरीदा था ना वो लिखना भूल गया, क्योंकि वो फर्नीचर जो खरीदा है उसे यहां दिखाना होगा टू बैंक से, ये भूल गए थे, वहां डेप्रिसिएशन तो निकाल लिया लेकिन टू बैंक से परचेज, और वो 1 लाख यहां दिखाना होगा। ध्यान देना, अगर कोई एसेट्स खरीदेंगे तभी तो टोटल और डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन, इन दोनों को जोड़